नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वीरेंद्र त्रिपाठी। पुलिस का जिक्र होते ही दिमाग खुद पर खुद एक तस्वीर बनाता है। पुलिस लोगों की सुरक्षा के लिए बनाई गई है। पब्लिक और पुलिस के बीच एक दूरी अभी भी बनी हुई है। अगर लोग पुलिस को कहीं देखते हैं तो उनके मन में एक ख्याल नहीं आता कि वो हमारी हिफाजत के लिए, बल्कि एक गलत धारणा उनके मन में ज़रूर बन जाती है। पुलिस और पब्लिक के बीच की खाई को पाटने के लिए देश के अलग अलग राज्यों में कई ऐसे प्रोग्राम भी चलाए गए, मगर कटनी जैसी घटनाएं पुलिस की छवि को धूमिल करती हैं। कटनी जीआरपी थाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक महिला पुलिस बंद कमरे में एक औरत और उसके बेटे पर लाठियां बरसा रही है। पुलिस की बर्बरता का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। हालांकि कहा जा रहा है कि ये वीडियो 10 महीने पुराना है। आइए बताते हैं दरअसल इसकी पूरी कहानी क्या है। ये वायरल वीडियो अक्टूबर 2023 का बताया जा रहा है। कटनी जीआरपी में झर्रा टिकुरिया के 15 साल के लड़के और उसकी दादी कुसुम वंशकार को बेरहमी से पीटा गया था। इस घटना का वीडियो अब वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जीआरपी थाने के इंचार्ज अरुणा वाहने किस तरह से एक दलित महिला और उसके नाबालिग पोते को पीट रही हैं। महिला का जो बेटा है वो कुख्यात अपराधी है। उसकी पूछताछ के लिए महिला और उसके पोते को जीआरपी थाने लाया गया था, जहां दोनों के साथ मारपीट की गई। इस मामले में जीआरपी थाना प्रभारी अरुणा वाहने का कहना है कि महिला का बेटा दीपक एक शातिर बदमाश है। रेल पुलिस के लिए वो मोस्ट वांटेड भी था और उस पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। दरअसल ये वायरल वीडियो 10 महीने पहले का है। अब उनका बेटा गिरफ्तार हो चुका है। इस वीडियो में कटनी जीआरपी टीआई अरुणा वाहने 10,000 के नामी कुख्यात बदमाश दीपक वंशकार की जानकारी जुटाने के लिए उसकी मां कुसुम वंशकार और नाबालिग बेटा दीपराज वंशकार को पूछताछ के लिए थाने लाई थी। इसी दौरान वो उसे अपने कमरे में ले जाकर बेरहमी से पीटने लगी और पूछताछ करने लगी। महिला कुसुम और 15 साल के नाबालिग बच्चे की डंडे से भयंकर पिटाई करने लगती है। जब वो पिटाई करते हुए थक जाती है तो साथ के पुलिस वाले लगातार डंडे बरसाने लगते हैं। लड़का हाथ जोड़कर कुछ कहता हुआ भी वीडियो में दिखाई दे रहा है। शायद वो मिन्नतें कर रहा होगा कि उसकी दादी को छोड़ दिया जाए। बाद में लड़के ने बयान दिया है कि जीआरपी वालों ने थाने में ले जाकर बहुत मारा है। घटना का पूरा वीडियो प्रभारी के कमरे में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब भला इतनी बड़ी वारदात हो जाए और इस पर राजनीति ना हो, ये नहीं हो सकता। कांग्रेस के नेताओं को मुद्दा मिल गया। विपक्षी नेताओं ने मोहन यादव सरकार पर लगातार हमला बोला है। कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि भाजपा राज में दलित सुरक्षित नहीं है। एमपी कांग्रेस ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, क्या आप यह बताने का कष्ट करेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? आपकी पुलिस कानून व्यवस्था के नाम पर गुंडागर्दी कर जनता की जान लेने पर तुली है। कटनी जीआरपी थाना क्षेत्र के अंतर्गत दलित परिवार के 15 साल के बच्चे और उसकी मां के साथ थाना प्रभारी और पुलिस स्टाफ की क्रूरता आत्मा को झकझोर कर रख देने वाली है। सवाल ये है कि इन लोगों पर यह हिम्मत कहां से आई? क्या आपकी उदासीनता से, या आपने ऐसा कृत्य करने की छूट दे रखी है? शर्मनाक कृत्य 2023 का है और दीपक को गिरफ्तार कर पहले ही जेल भेजा जा चुका है।